नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। हाल ही में सैफ अली खान का पटौदी पैलेस फिल्म एनिमल की शूटिंग होने को लेकर चर्चाओं में आया। पहले भी यहां कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन अब ये पैलेस करीना की एक पोस्ट की वजह से चर्चा में आ गया है। जी हां, सैफ अली खान और करीना कपूर खान हाल ही में अपने बच्चे तैमूर और जह के साथ पटौदी पैलेस पर वेकेशन एंजॉय करने गए थे। इस दौरान करीना कपूर खान ने एक पोस्ट करते हुए अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरों में सैफ अली खान के साथ साथ उनके खाने की भी झलक देखने को मिली है। इन तस्वीरों में करीना भी धूप के साथ खाने को एंजॉय करती दिखी। वेकेशन से पोस्ट शेयर करते हुए करीना कपूर ने लिखा, मक्के की रोटी सरसों का साग अपने बिल्कुल घर के बाग से, यहाँ कुछ मेरे पसंदीदा चीज़ें हैं। करीना की पोस्ट में जहाँ सैफ अली खान और खाना दिखा, तो वहीं एक तस्वीर में पटौदी पैलेस की झलक भी दिखाई दी। इस तस्वीर में सैफ अली खान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान पटौदी पैलेस पर फहरा रहे झंडे पर गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट्स करने शुरू किए। दरअसल पटौदी पैलेस पर जो झंडा लहरा रहा है वह भारत का नहीं है। खबर की माने तो ये हरा पीला और ऑरेंज पट्टियों वाला झंडा पटौदी स्टेट का है। ये एक रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान हुई थी। इस स्टेट के पहले शासक नवाब सैफ अली खान के पूर्वज फैज तलब खान थे। तलब खान अफगानिस्तान से भारत आए थे, यही वजह है कि पटौदी पैलेस पर आज भी ये झंडा लहरा रहा है। बता दें कि हाल ही में पटौदी पैलेस फिल्म एनिमल की शूटिंग होने को लेकर सुर्खियों में आया। इसके अलावा पहले भी यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें कटरीना कैफ और इमरान खान की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हनिया, आमिर खान और रानी मुखर्जी स्टारर मंगल पांडे भी यहाँ शूट हो चुकी है, आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती और शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर ज़ारा भी इसी पटौदी पैलेस में शूट हो चुकी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट। नमस्कार।